नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार दास, फुटवेयर डिजाइनर, फाउंडर ऑफ क्रिएटिव विजन इंडिया। आज मैं लेके आया हूँ एक न्यू कंसेप्ट स्पोर्ट्स शूज। चलिए स्टार्ट करते हैं नया और एक डिजाइन। आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक न्यू कंसेप्ट का स्पोर्ट्स शूज, क्योंकि सीजन आने वाला है सामने। बहुत बड़ा सीजन है जो स्पोर्ट्स शू का बिकता है, ह्यूज। जो टाइमिंग्स है, विंटर सम टाइम आने वाला है, उससे पहले पूरा इंडिया पे सारे कंपनी जोर शोर से तैयारी में लगे हुए स्पोर्ट्स शू बनाने के लिए। बट सबके पास प्रॉब्लम है, क्या चीज़ बनाए, क्या नहीं बनाए, सारे कन्फ्यूजन में है और सारे तो अपने अपने तरफ से तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करते हैं, फॉलो करते हैं इंटरनेशनल मार्केट को, बाहर में क्या चाइना बनाते हैं, क्या बाहर कंट्री में क्या क्या डेवलप करते हैं, ब्रांड क्या डेवलप करते हैं। तो इस कंसेप्ट में सारे आदमी अपना अपना उसके तरफ ध्यान रखते हुए, मैं कोशिश करता हूँ जो हमारा इंडस्ट्री में नया क्या कंसेप्ट दिया जाए उसके ऊपर एक कंसेप्ट कोशिश कर रहा हूँ। आज कुछ नया कुछ बना के दिखाओ। उसके हिसाब से मैं एक स्ट्रोबल कंस्ट्रक्शन में एक स्पोर्ट्स शू का बेस ऑलरेडी मैंने ड्राइंग कर लिया। जो स्पोर्ट्स शू का जो बेस है, स्ट्रोबल का बेस कैसे बनता है, वो मेरा पुराना वीडियो जो भी है, आप लोग न्यू जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं आप लोग, तो वो मेरा पुराना वीडियो जरूर देखना। उसमें इसका जो बेस ड्राइंग करने का प्रोसीड्यूर, एवरीथिंग, सब कुछ उसमें दिया हुआ। काफ़ी सारे वीडियो मैंने बना चुका हूँ जो कैसे स्टार्टअप से लेके, कैसे बेसिक से लेके और कंप्लीट शूज बनता है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना चुका हूँ और उसमें जाके आप सब देख सकते हैं। और जस्ट उसी से बेस मैंने ड्रॉ कर लिया और एक बेस के ऊपर हज़ारों डिज़ाइन बन सकता है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ या और एक नया कंसेप्ट देने के लिए। वो आजकल आप लोग जानते हैं फ्लाइनेट का कंसेप्ट, जो भी नेटिंग का शूज़ बनते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए खास करके उनको पता ही है इंडस्ट्री में नेटिंग का काफ़ी कंसेप्ट चल रहा है और बहुत ही आसान तरीके से उसको बना के, मोटा मोटी एक सिंपल तरीके से उसका प्राइस रिजनेबल करके मार्केट में अलग अलग तरीके से बनता है। मैं कोशिश करता हूँ एक नेटिंग के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कैसे होता है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस वीडियो में जो भी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर मेरा ये वीडियो देखेगा, इस टाइप का कंसेप्ट डेवलप करने का इच्छुक होगा, तो हमारा टीम के साथ ज्वाइन कर सकता है और उसको ऐसे बहुत सारे डिज़ाइन हम लोग बना रहे हैं रेगुलरली। और देखिए, आप स्टार्ट कर रहा हो ड्राइंग में खास कुछ नहीं है, बेसिकली नेटिंग का कंसेप्ट है इसमें, जो मशीन वर्क है ज़्यादा, और मैंने थोड़ा बहुत उसी के अंदर मैंने ड्राइंग करके रखा हुआ है, जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बट कंसेप्ट आपको सबको जरूर अच्छा लगेगा, नया कंसेप्ट कोशिश कर रहा हूँ दिखाने के लिए क्योंकि हमेशा मार्केट को नया चाहिए, नया ट्रेंड चाहिए, न्यू कंसेप्ट चाहिए, उसी के ऊपर कस्टमर को भी उसके अकॉर्डिंग न्यू कंसेप्ट का डिज़ाइन चाहिए होता। तो इसलिए आप लोग हमेशा देखा होगा मेरा हर वीडियो में, हर डिज़ाइन में कुछ नया दिखाने का मैं कोशिश करता हूँ और आज भी इसी कंसेप्ट को लेके मैं दोबारा वीडियो बना रहा हूँ और जो स्टूडेंट देख रहा है उनको कंसेप्ट का आइडिया मिलेगा। ये कंसेप्ट बनाने के लिए आपको पास बहुत सारे कुछ सेटअप चाहिए होगा, नॉर्मल जो भी स्टूडेंट देख रहा है उसके लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सारे सेटअप होना मुश्किल है आपके पास। आप बट आइडिया ले लीजिए, किसी इंडस्ट्री में जब काम करेंगे आपके पास मटेरियल अवेलेबिलिटी सब कुछ हाथ में मिल सकता है, वो लोग अरेंज करके देगा किसी जगह आप जॉब कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को आइडिया ज़रूरी है क्योंकि ये सारे कंसेप्ट बहुत कॉस्टली शूज़ है और इसको जो जो ब्रांड अगर अपने हिसाब से एम आर पी रख सकता है, बहुत ही अच्छा शूज़ है ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ। बेसिकली डिज़ाइन में खास काम नहीं है, ये टोटल काम ग्राफिक्स का काम है और कंप्लीट शूज पे जस्ट इतना सा ही ड्राइंग था, सिंपल ड्राइंग देखने में लग रहा है, कुछ भी काम किया नहीं मैंने। और इसके अंदर जो भी काम है मेरा टीम, जो ग्राफिक्स टीम है, उसको इसका कंसेप्ट का मुझे आइडिया देना दे रहा हूँ जो इसके अकॉर्डिंग, और बाकी आइडिया मुझे कंप्यूटर में देना है, उसको भी पार्ट आप लोगों को बेसिक अलग से दिखाना पड़ेगा जो ग्राफिक्स में कैसे काम होता है और उसको कैसे ये ड्राइंग को कैसे एक सुंदर सा डिज़ाइन बना सकते हैं, वो सारे कुछ मैं आगे का जो काफ़ी उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और आप सब जितना
वीडियो देखते रहेंगे तो नया नया कंसेप्ट भी मैं आगे दिखाते रहूँगा। ये देखिए मैंने ड्राइंग में कुछ खास है नहीं, एक सिंपल सा लग रहा है आप लोगों को, जो बहुत ही अच्छा एक सिंपल कंसेप्ट में एक कितना महंगा कॉस्टली शूज बन सकता है। थोड़ी देर में मैं इसका जो ग्राफिक्स का वर्क करके काम दिखा के मैं आपको एक रेडी अपर बना के दिखाना पड़ेगा, तभी आपको क्लियरली समझ में आएगा। क्योंकि ड्राइंग के बाद मैं सीधा जाता हूँ, थोड़ी देर में मैं इसका कंसेप्ट ग्राफिक्स का काम करते हुए उसके बाद अपर रेडी करके दिखा दूँ। देखिए मेरा टीम ने ग्राफिक्स के बाद, और मैंने इसलिए मैंने ग्राफिक्स का ज़्यादा प्रिंटआउट दिखाया नहीं है क्योंकि उसमें बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, और एक सिंपल सा ड्राइंग से कितना सुंदर सा शूज बन सकता है, कितना सुंदर सा अपर बन सकता है ये देख रहे हैं। देखिए बहुत ही यूनिक है, बहुत ही सुंदर, एक अलग कंसेप्ट का अपर है। ये देखिए बहुत ही अपर यूनिक है, बहुत ही अलग टाइप का अपर है, और बहुत ही हाई इसको पास में दिखा सकते हो तो क्लोज में ये देखो, बहुत ही यूनिक शूज है और जैसे लगता है अलग टाइप का कंसेप्ट है ये। इसके पर पूरा मतलब हाई फ्रिक्वेंसी में मटेरियल भी बिल्कुल अलग है, और नॉर्मली नॉर्मल मटेरियल में ऐसे आता नहीं है इतना अच्छा लुक। और इस टाइप का कंसेप्ट जो भी है मार्केट में प्राइस मतलब स्टैंडर्ड रीच टाइप का कंसेप्ट है और अलग है, और इसको सोल अटैच करने के बाद देखेंगे तो इसका प्राइस लगभग 2000 अबव मिनिमम भी डोमेस्टिक मार्केट में कोई भी सेल करेगा तो उसका MRP 2000 अबव होना चाहिए, और जो भी ब्रांड बनाएगा तो उसके हिसाब से अपने ब्रांड अपना अपने हिसाब से MRP रख सकता है और अलग है। देखिए फ्लाइनेट आगे मैंने फ्लाइनेट का जो लोग देख रहे हैं वीडियो मेरा इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर है, आगे मैंने फ्लाइनेट का यूज़ किया, उसके साथ मैंने कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। साइड में मैंने बहुत ही हेवी टाइप का कंपोनेंट एम्बोस किया, इस टाइप का मटेरियल नॉर्मल मार्केट में अवेलेबिलिटी नहीं है, स्पेशल डेवलप किया गया और किसी भी कंपनी में आप देख नहीं पाएंगे नॉर्मली, या अलग से डेवलप करना पड़ता। और इससे थोड़ी देर में मैं एक बहुत ही सुंदर सा शूज बना के अभी दिखाता हूँ जो कितना यूनिक शूज बनता है। अभी जो मैंने एक स्पोर्ट्स शू का सुंदर सा अपर दिखाया था और उससे देखिए बहुत ही सुंदर एक यूनिक स्पोर्ट्स शूज बन गया, और बहुत ही सुंदर अब बिल्कुल अलग दिखेंगे मार्केट पे, बहुत ही हेवी टाइप का और बहुत ही रिच लुक है। और सोल आप जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, फिलहाल हमारे पास अवेलेबिलिटी सोल था इसलिए मैंने ये यूज़ किया। अकॉर्डिंग टू जिसको सोबर चाहिए तो सोल चेंज करके आप प्लेन सिंपल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने फिलहाल इस सोल के ऊपर ये डिज़ाइन अटैच कर दिया, और यंग जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। इस टाइप का कंसेप्ट मार्केट में मार्केटिंग करना जो भी किसी भी मैन्युफैक्चरर के लिए बहुत ही आसान है, और किसी भी इंडस्ट्री के साथ कंपटीशन में बहुत ही अच्छा इसका वैल्यू मिल सकता है इसका। और कंसेप्ट के इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग बहुत और भी सारे बना रहे हैं, और इसलिए आप सब मेरा वीडियो देखते रहना, बेल बटन दबाते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, आने वाले टाइम में आगे बहुत सारे न्यू वीडियो लेके आएंगे, न्यू कॉन्सेप्ट दिखाते रहेंगे आप सबको। नमस्कार।